गाइस वेलकम टू माय चैनल फाइनली, और आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए मेरे पापा। हेलो पापा, हाय कर दो। अब मम्मी के साथ आगे मैंने एक स्टोरी बनाई थी, हॉरर स्टोरी मम्मी के साथ जो हुई थी वो बहुत पसंद करी आप लोगों ने। हाँ। पापा ने भी देखी थी, पापा ने बोला कि मेरे को क्यों नहीं लेता था। मैंने कहा ठीक है लो, आपके साथ जो हुआ एक्चुअली ये स्टोरी जो है वो मेरे बाबूसा की है, दादाजी की है, ठीक है, जो पापा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बोला, मैंने कहा रुक जाओ अब डायरेक्ट आप कैमरा में बताओ, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी इतना ज़्यादा वेट करती है कि भाई कब आएगा वीडियो, कब आएगा। तो लो भाई, बिना स्टोरी प्रिपेयर करे एक स्टोरी रेडीमेड मिल गई मेरे को। तो शुरू हो जाओ पापा, क्या हुआ था दादाजी के साथ सब कुछ बता दो। थोड़ी लंबी है स्टोरी, ठीक है, आराम से सुनना, मज़ा आएगा। स्टार्ट कर दो, क्या हुआ था दादाजी? ये स्टोरी है स्विम के दादाजी की, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, हकीकत कहानी है सच में। इसमें एक बार इसके दादाजी, कितना टाइम पहले, करीब 30 साल पहले के आसपास, 30 साल, 30 वर्ष के आसपास, तो खेतों पे सो रहे थे वो रात के टाइम में। तो उनके भागीदार थे उनके बुआ के बेटे, तो वो भी साथ में रहते थे। लेकिन उस रात क्या हुआ, उनके भागीदार जो आए नहीं खेत पे, तो भागीदार आए नहीं, तो उस दिन उस रात को करीब वो जाके सो गए घाट पे अकेले। रात को यही करीब रात को आसपास 1 बजे के आसपास, 1:15 बजे गांव में रात को एक बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत बजे सो जाते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे 8 बजे सो जाते हैं रात को खेतों में। तो करीब 1:15 बजे के आसपास उनको रात में अचानक एक धुन सुनाई पड़ी, आवाज, और खेतों में आवाज ऐसी धुन पड़ी के मंजीरे बज रहे हैं और ढोलक बज रही है। रात को एक बजे और आवाज़ आ रही है जोर जोर से। तो जैसे उनकी नींद खुली तो अचानक वहाँ बाजा जैसे बज रहा है, ढोलक मची रहे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उनको अचानक, उन्होंने खाट पे से उठ के देख बैठ के देखा तो उनको एक सफ़ेद घोड़ी, और सफ़ेद घोड़ी के ऊपर एक सफ़ेद सवार जो धोती कुर्ते और सोफा में। अच्छा, सिर्फ वो? हाँ। तो कितना दूर दिखे वो? करीब होंगे, करीब 500 मीटर इतना दूर दिख रहा है साफ, खेतों के अंदर साफ चांदनी रात थी वो टाइम पे। और ये एकदम साफ सो रहे थे, आपने बताया था कि वो शमशान के पास में आए थे। हाँ, तो वो जो जमीन है हमारी वहाँ शमशान के बिल्कुल थोड़ा नजदीक में ही है, पास में, और वहाँ बड़का पेड़ भी है और थोड़ा जगह ऐसी है। कितने डेयरिंग है तो मतलब, फिर भी हमारे पिताजी निडर अकेले सोते थे वहाँ। तो रात के टाइम में ऐसा हुआ कि वो जो दिखा तो अचानक सफ़ेद घोड़ी और सफ़ेद सवार और उसके ऊपर बैठे दिखे उनको। तो अचानक पिताजी खाट से उतर के नीचे बैठ गए। जैसे नीचे वो बैठे तो आवाज़ आई उनको कि भाई सोने वाला सो रहा है कि जग रहा है इतने दूर से। हाँ, दूर से जोर से आवाज़ आई और ढोलक मंजीरा पीछे बज रहे हैं उसमें। तो बोलते हैं सोने वाला तू सो रहा है कि जग रहा है? तो पिताजी ने बोला, डर तो रहे थे ले, बोले हाँ जग रहा हूँ, बोले। फिर अचानक उन्होंने बोला कि भाई जग रहा है तो ऐसा है तेरे भागीदार कहाँ पे? अच्छा। हाँ, तो बोला भागीदार तो आज नहीं आया, कुछ काम से बाहर गया है। तो ठीक है भाई, ऐसा करना, तेरा भागीदार काम से गया लेकिन उसने मेरा प्रसाद बोला था या मेरी बोतल थी, वो मेरे अब तक चढ़ाए नहीं है और मेरा प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, उसको बोल देना आएगा तो चढ़ा देगा, नहीं तो दुख पाएगा। वो किसी काम से वो बाहर गए थे। तो अचानक फिर पिताजी ने बोला ठीक है। अब पिताजी मन डर तो रहे थे, उनको डर तो लग रहा था, लेकिन फिर करे क्या, फिर सावधानी से क्या उन्होंने, और वो मजीरे बदते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आवाज़ इतने 10-20 आदमियों की आवाज़ आ रही है। ये बता दूं कि ये जब हो रहा है उसके साथ कंटिन्यू ढोल मंजीरे बजी रहे, ठीक है। हाँ। और आवाज आ रही है उन ढोल मंजीरों की, लेकिन दिख कोई नहीं रहा है अगल बगल में, सिर्फ वो घोड़ी सवार वही दिख रहा है, बस वो एक ही मूर्ति दिख रही है, वो भी घोड़ी के सवार, मतलब कहने का मतलब। हाँ, और वो मंजीरा ढोलक आदमी कुछ नहीं दिख रहा है और पीछे से। और फिर पिताजी को बोला तो बोल देना उसको कि मेरी बोतल चढ़ा देवे और प्रसाद चढ़ा देवे। तो पिताजी ने बोला ठीक है, ऐसा बोला और फिर वापस घोड़ा रिटर्न कर दिया सफ़ेद। हाँ। घोड़ा रिटर्न करके और दूसरी दिशा से वो जाने लगे। हाँ। जाने लगे तो पीछे से आवाज़ आ रही है, और पीछे से फिर वो आवाज़ देते हैं वहाँ से उनको कि भाई कोई रहना मत, कोई रुकना मत, कि भाई इसको डराना मत, बोले रात को तुम लोग सब आ जाओ मेरे साथ में, कोई रुकना मत। तो वो घोड़ा लेके और वो दूसरी दिशा को बिल्कुल आगे तक चले गए, मतलब कि जो बंजीरा वगैरह बजा। हाँ, वो बत्ते उनके पीछे चले गए, वो सारे भूत थे। हाँ, वो मतलब भूतों का जोड़ा था, उनको दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उनके पीछे पीछे चले गए वो। अभी वो
उनको ऑडियंस को पता नहीं होगा, एक्सप्लेन कर दो, जो वो जो घोड़े पे सवार थे वो हमारे देवता है, हमारे देवता है गांव के, हमारे मतलब गांव के देवता है वो, मतलब वो साक्षात उनको दिखाई दिए थे, क्योंकि उनका प्रसाद बाकी रह गया था, उन्होंने नहीं चढ़ाया था, इसलिए उनको बोलने के लिए आए थे वो, और उनके साथ पीछे वो सब उनके चेले चाटी भूतों के जो सभी थे मतलब, लेकिन पिताजी को ऐसा डर तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला भाई को डरना मत, मतलब किसी को डरना मत, और तुम आ जाना सब मेरे साथ में, कोई रुकना मत, उन्होंने बोला देवता ने सारे निकल के साथ में, हाँ कि तुम कोई रुकना मत और इसको डरना मत। तो फिर बाद में वो उनके साथ में पीछे 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 दूर तक जाते हुए देखे, और जाते जाते लुप्त हो गए, पिताजी कोई नहीं दिखे, बाबू साहब फिर वहीं पर, बाबू साहब ने ढोक देके हाथ जोड़ के, और फिर बाद में वहां बैठ के खाट पे वहीं सो गए, वापस रात वापस, हाँ रात को सो गए, वापस सो गए अकेले। आप लोग में से कोई होता अगर तो रहता क्या पे, मेरे को ये बताओ। नहीं उनको तो मतलब डर तो था, लेकिन देवता पे इतना विश्वास था, उनको विश्वास था। तो फिर वहाँ से वो पिताजी सो गए, रात को सुबह उठे, और सुबह उठे तो बाद में वो गांव में आए, फिर उनका भागीदार आया हमारे, उनके बुआ के बेटा, उनको बोला भाई तेरी कुछ बोतल कुछ प्रसाद बाकी है जो देवता को नहीं चढ़ाई, तो बोले उन्होंने याद किया हाँ भाई मेरे बाकी है, तो बोले तू भाई अभी कल जाके चढ़ा दे उसको, तो ठीक है बोले उनको, उनको बोल दिया, वो चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, उसी दूसरे दिन हाँ, जब गांव में आए, गांव में पिताजी ने किसी को बोला नहीं, और रात को क्या है कि शाम का टाइम हो गया था खेतों पे ही, तो थोड़ा अंधेरा होने लगा, तभी पिताजी ने क्या वहाँ से खजूर में से एक टापर काटी, खजूर को थोड़ी काटी मतलब हाँ, वो कुल्हाड़ी होती है गाँव में, उसे टापर काटी और काट के और उसको सिर पर रख के और गाँव में लेके जा रहे थे रात को। हाँ। थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो अंधेरा हो गया था तो क्या रात को जैसे लेके जा रहे थे रास्ते में, तो उनको मतलब शाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा अजीब डरावनी डरावनी आवाज आने लगी पीछे से। अच्छा। और वो पीछे मुड़ के देखे तो पीछे कुछ नहीं, आगे देखे तो आगे कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगी उनको। अगले ही दिन की बात है, उसी दिन दूसरे दिन अगले दिन मतलब, तो बोलते कि भाई पीछे से कोई आवाज नहीं कुछ नहीं, अब थोड़ी आवाज भी डरावनी आए, कुछ पत्थरों की भी आवाज आए, लेकिन एक दो उनके पत्थर भी पीछे आए, लेकिन पत्थर उनके लगे नहीं मतलब अगल बगल में पत्थर पड़े। अच्छा। अब वो पिताजी आ रहे चल रहे देख रहे, लेकिन पिताजी को शक हो गया कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अच्छा, जब पिताजी को थोड़ी आवाज आने लगी उनको रात के टाइम में, तो वो थोड़े जल्दी जल्दी चलने लगे, और तो उनका थोड़ा ऐसा डर जैसा लगने लगा, तो थोड़ा वो जल्दी जल्दी चले, जल्दी चले तो थोड़े मतलब चले तो उनको अचानक और ज्यादा आवाज आने लगी, और पीछे से एक ऐसा पत्थर आया जोर से और साइड में से निकल के आगे गिरा, फिर वो बड़ा पत्थर, फिर वो देख रहे हैं कि साइड में कुछ नहीं है। फिर बाद में पिताजी ने, कितने बजे हो गए, रात में ये 7-8 बजे की बात है, वो तो शाम के टाइम होते टाइम में, फिर वो एकदम अचानक भगने लगे, फिर बाद में सुमरते सुमरते देवता को सुमरते सुमरते वो भग लिए, फिर घर जैसे तैसे वो जान बचा घर पहुंचे। मतलब बता दो रात को 7-8 बजे की बात है, खेतों में वैसे भी कोई नहीं रुकता है। हाँ, अंधेरा इतना तो दिख रहा था कि साफ साफ अगल बगल कोई नहीं है, इतना मोटा पत्थर उनके कान के जस्ट बगल में से गया है। हाँ, फिर वो घर पहुंच गए, घर पहुंच के बाद में उन्होंने घर पहुंच के बताया कि मेरे साथ में ऐसा घटित हुआ। तो वो जैसे जाके पहुंचे और जाके खाना वाना खाया और खाना वाना खा के मतलब लेट गए वहाँ, तो उस दिन फिर बाद में वो खेतों पे नहीं गए उस दिन, तो रात में वही जाके सो गए। जैसे रात को सोए, रात को आवाज आ रही है उनको पिताजी का नाम लेके, दशरथ सिंह आ जाओ बाहर चलेंगे। कहाँ से आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है रात को, सो गए 10-11 बजे करीब, 11 बजे होंगे। फिर बाद में फिर दोबारा फिर ये चुप हो गए, फिर रात फिर दोबारा आवाज़ आई, तो रात में 2-3-4 बार आवाज़ उनको आई। अकेले सोते थे तो सब, फिर बाहर बाहर में और भी घर वाले थे। हाँ। फिर बाहर निकल के सब घर में देखते तो कोई था ही नहीं, साफ फिर सो जाते हैं। हाँ, फिर सो जाते हैं कि चलो कोई नहीं भाई सो जाओ, किसी ने दावत दी होगी। फिर सो गए तो फिर रात को 12 बजे फिर आवाज़ आती है कि भाई तू बाहर निकल, अपन चलेंगे बाहर, उनको लेने के लिए तेरे को लेने आया हूँ मैं, चलेंगे बाहर। फिर बाहर निकलते हैं हमारे हमारे मम्मी और सब आते हैं बाहर, देखते हैं तो कोई भी नहीं है वहाँ पे। फिर अचानक रात को करीब 1-1.5 बजे के आसपास फिर रात को तीसरी बार आवाज आती है उनको कि तू चलेगा नहीं, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेने आया हूँ। फिर पिताजी ऐसे खड़े होकर डर तो रहे थे वो, तो अचानक से उनके जो बाबा का बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का है जो भागीदार था, उनके माथे में देवता आते हैं भौमिया जी। अच्छा। वो दूर से उनके 10-5 घर छोड़ के घर है उनका, वहाँ से आए वो भगते हुए। अच्छा, उनको कोई पता नहीं उनको कोई पता नहीं इस चीज़ का क्या मैटर है।
वो सीधे वहाँ आए और वो भगते हुए आए और आकर के उन्होंने बोला, उनके शरीर में एकदम देवता आ गए मतलब भूमिया जी, और उन्होंने आके उसको गाली दी कि तू चला जाए यहाँ से, बच्चे की जान लेगा क्या, तो इसको मारेगा क्या। फिर उन्होंने उसको गाली दी तो फिर वहाँ से वो पर क्या मालूम कब चला गया क्या हुआ। वो भगते हुए आए अपने आप से ही, अपने आप से 2 बजे नींद में से उठ के, नींद में से उठ के रात को अचानक घर पे आए और घर पे आके उनके शरीर हिल रहा था, सब सो रहे थे तब। बाकी लोग देख के शॉक नहीं हो गए कि ये अचानक सब हो गया, हाँ क्या क्या हो गया, ये क्यों आया है। तो वो जो बोलने वाला था ना उसको दिखा नहीं, और वो तो क्या मालूम कहाँ चला गया और उनके शरीर में आया। फिर उन्होंने बोला देवता आ गया, उन्होंने बोला कि भाई जो कल आया था उसमें से एक बंदा रह गया था, जो एक बंदा रह गया था वो टापर काट के लाया था आज खजूर की, उस खजूर के साथ में इसके आ गया घर पे। बिजली में समझाता हूँ, जो एक दिन पहले जो बाबूसा ने जो देखा था घोड़े पे सवार जिनको देवताओं को देखा था, जो पीछे जो भूत वगैरह थे उनमें से एक भूत रह गया था उनके साथ ही, और अगले दिन जब बाबूसा आ रहे थे वापस से तब वो खजूर के साथ था, क्योंकि मीठी चीज़ों के साथ में और ऐसी चीज़ों के साथ में रह जाता है जो ऐसी एंटिटीज होती है वो रह जाती है, तो तब वो साथ साथ में आया घर पे। इन द एंड जब ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें, तब एक घर के अंदर भी नहीं आ रही थी वो जो एंटिटी थी, वो घर के अंदर नहीं आ रही थी जस्ट बिकॉज वो प्रोटेक्टेड होता है। तो पाचे का छोड़ के जो बुआ के घर लड़के, बुआ के लड़के जो है उनके अंदर वो देवता आया और वो भाग के आए आउट ऑफ नो वेयर, उनको कुछ नहीं पता है वो भाग के आया है। उन्होंने उसको जो एंटिटी थी उसको हवा में देख के बोला ना ऐसे, हाँ, गालियां दिया तू चला जाए यहाँ से, ऐसा बोला उन्होंने, चला जाए यहाँ से, भाग जा, गालियां दी और वो फिर भगाया। फिर उनको पता भी नहीं चला कैसे। फिर उन्होंने बताया कि ये कल इसमें से एक रह गया था, उसने पीछा किया और पीछा करते करते वो यहाँ आया ऐसा। फिर उसके बाद में पिताजी को मतलब घर पे आ गए, लेकिन उसके बाद पिताजी को नहीं दिखाई दिया उसके बाद, हाँ। वो चला गया मतलब ऐसा हुआ। और उसके 2-3 दिन बाद जब हमारे शादी थी काकूसा की, चाचा की मतलब, हाँ। तो वो जो पटला का सामान आता है वो लेने के लिए पिताजी गए थे गंगापुर सिटी, दूर पड़ता है, हाँ। करीब 35 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से आए तो रात को बस खराब हो गई, तो बस ख़राब हो गई तो उसमें क्या है पटला का सामान के अंदर ये चीज़ें होती है, जैसे मेहंदी है, काजल है, ये मिठाई है, फिर जैसे सेंट अत्तर वगैरह ये चीज़ें मतलब होती है उसके अंदर, तो वो सब लेके आ रहे थे रात। तो बस ख़राब हो गई तो उनकी बस पंचर हो गई थी, तो उन्होंने बस आने में वो लेट हो गई, तो कस्बा हमारे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है गाँव, वहाँ तक बस आई, तो बस आ करके वहाँ रुक गई। तो बस का फिर पिताजी ने सोचा करो चलते हैं रात को, तो रुके वहाँ, रुके नहीं, और रात को 11 बजे करीब वो रवाना हुआ, पैदल चल दिए, चल दिए पैदल, पैदल ही, पैदल ही चल दिए। फिर वो चलते 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 आ रहे थे रास्ते में, तो जैसे ही वो चलते आ रहे थे तो रात तो थी, अंधेरा हो गया, 11:30 बज गए करीब, रास्ते में चलते चलते 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उनके पास जो सामग्री थी वो तो लाइट्स भी नहीं थी, तो एकदम कुछ नहीं, अंधेरा एकदम, तो रोड्स भी कैसे थे, रोड भी कुछ नहीं, मतलब कच्चे रास्ते थे पहले गाँव में से, तो रोड के पास में एक चबूतरा था, उस पर कोई सफ़ेद सफ़ेद उनको ऐसा कोई दिखा, मतलब कोई सफ़ेद आदमी बैठा है ऐसा, मतलब दूर से, मतलब अंधेरे रात में सफ़ेद कपड़ा दिखता है सर, तो ऐसे निकल के जा रहे थे साइड में से, तो कोई चबूतरा तो पता ही चबूतरा होता है गाँव में ऐसा, तो उस पर से उनको आवाज आई, अरे क्या लेके जा रहा है, क्या सामान लेके जा रहा है, बोले इसमें तेरे पास क्या सामान है, वो सामान मेरे को देके जा। तो मेरे पिताजी है वो एकदम अचानक घबरा गए, रात में कौन है जो ये सामान मांग रहा है, और सामान में ये थी सब मेहंदी वगैरह मिठाई वगैरह, रात को ये चीज़, हाँ रात को 11:30-11:12 बजे मांग रहा है। तो पिताजी ने बोला, बोला कुछ नहीं, पिताजी डर गए, तो वो मांग रहा है कि तू लेके कहाँ जा रहा है सामान, मेरे को देके जा। 2-3 बार और जोर जोर से हंसने लगा, वो हंसते 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 पिताजी को हंसने लग गया, हाँ जोर से हंसने लगा, और ये सामान तो बोलो मेरे को देके जा। तो पिताजी ने वो चलते रहे, पिताजी कुछ बोले नहीं और बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे। गाइस आप इमेजिन करो रात के टाइम पे 11:30-12 बजे गाँव में हो आप, ठीक है, गाँव में जहाँ आसपास कोई नहीं है, अंधेरा घुप है, और वो भी उस टाइम पे, ठीक है, आपके हाथ में ऐसी चीज़ें हैं जिससे ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसी जो एंटिटीज होते हैं वो अट्रैक्ट होती है, एंड सामने कोई रैंडम बंदा आउट ऑफ नोवेयर आपको बोल रहा है कि ये देखे जा, और जोर जोर से हंसता है। सपोज ऐसे ही लाभ होगा, सपोज रात में तो आवाज आती है ना इतना, और आपके सामने क्या कर लोगे उस वक्त, आपकी हालत क्या हो जाएगी। मैं आई एम श्योर आप लोगों को इंक्लूड करके मैं खुद वहाँ पे या तो बेहोश हो जाऊँगा या मेरे को कोई होश ही नहीं रहेगा, मैं क्या करना है, ठीक है, लेकिन उस वक्त कितनी कितनी विल पावर रही होगी सोचो उन टाइम, उस टाइम के लोगों की, दादाजी की, कि
वो उस वक्त वहाँ पे खड़े हुए थे फिर भी स्टिल, वो डरते नहीं थे फिर भी, क्या उनको डर लगा एकदम, और फिर वो अचानक वहाँ से धीरे 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 चलने लगे। जैसे चलने लगे तो फिर वो तो पीछे से आवाज़ आने लगी, कभी बगल में से आवाज़ आने लगी, फिर कभी ये साइड से आने लगी कि भाई तू ये सामान को लेके मत जा, ये मेरे को देखे जा। तो पिताजी ने फिर हमारे गांव के देवता है उनका सुमिरन किया और उनको बोला कि बाप तुम हमको संभालो, ये तो तकलीफ में पड़ गया, मतलब मैं कोई ना कोई है, मतलब गंदी हवा, वो समझ गए पिताजी क्या कोई गंदी हवा है साथ। तो फिर पिताजी ने उनका जब सुमिरन किया तो उनको ऐसा धक्का लगा उनकी आँख मिच गई। अच्छा, और उनकी जब आँख खुली तो गांव के बिल्कुल पास में थे बाबू साहब। हाँ, मतलब तेरे दादू साहब बिल्कुल गांव के पास में, और गांव से उनके मकान अपने बिल्कुल नजीक पहुंच गए। जब उनकी आँख एकदम, उनको जब होश आया ना ऐसा लगा, पर कहाँ मैं कहाँ आ गया यहाँ, अभी तो मैं हुआ था 2 किलोमीटर दूर, अभी यहाँ कैसे आ गया अचानक घरों के पास में। तो टाइम ट्रैवल कर लिया, पता नहीं किसकी मर्जी क्या हुआ क्या कुछ पता नहीं चला उनको। और अचानक जब वहाँ पहुँचे घरों के पास, तो पास में पहुँचते ही उन्होंने देखा अपने घर तो नजीक आ गए, पर फिर अचानक उनको देख चमत्कार जैसा हुआ, मतलब वो और जगह से अपने आप शिफ्ट हो गए। हाँ, अपने आप जगह से वहाँ ऐसे शिफ्ट हो गए, कोई पकड़ के लाया हो ऐसा उनको, उनकी उनसे बचा के, मतलब हाँ उनसे वो जो जो हवा थी उससे बचा के और वह घरों के पास में ला के खड़ा कर दिया। और फिर बाबू साहब देखते अपने घर पास में आ गए, तो फिर आए तो घर आए, और घर आ करके जैसे पहुँचे तो रात को 12 बज चुके थे, 12:15-12 बजे करीब वो पहुँचे। अच्छा, जब वो घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही उनको सामान तो रख दिया। हाँ। सामान रख के और सब घर वालों ने पूछा इतनी रात को कैसे आ रहा है तू, कहाँ से आ रहा है, क्या है, वो ऐसे ऐसे बताया। और फिर बाबू साहब को इतना ज़ोर से बुखार चढ़ा, इतना ज़ोर से बुखार चढ़ा कि पूरी रात मतलब उनको रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको पूरी रात हुआ। फिर दूसरे दिन वो देवता बुलाए, जब देवताओं ने बोला भाई ऐसे ऐसे रात को लेके नहीं आना था, रात को 11 बजे 12 बजे ये चीज़ें लेके कभी नहीं आना चाहिए, और फिर भी बाबू साहब ने मतलब हिम्मत बांध के लेके आ गए हम लोग, इतने निडर थे पहले साहब। मतलब आप इमेजिन करो ये तो बाबू साहब हो रखा है। हाँ भाई, अब ये तो फैक्ट चीज है जो बाबा बता रहे हैं अपने मुंह से, ये हकीकत, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत हुई है। ऐसे और बहुत सी चीजें गांव में ऑलरेडी हो रखी है ना, दादो साहब के पास, बाबू साहब के पास भी कई चीजें हो रखी है उनके पास। तो गांव में भी एक तो ऐसा बोलता था कि रात के 12 बजे आके भूखा मरा, और इधर से गांव के ये साइड से बोलता था और वो साइड निकल जाता था रात को 12 बजे। वो कोई पता नहीं कोई हवा थी जो ऐसे बोलती थी भूखा मरा। अच्छा, भूखा मरा, कोई प्रेत था, कोई हवा आती थी। हाँ, जो पूरे गांव में भूखा मरा बोलते हुए यहाँ से आगे, हाँ, इस रोड से उस रोड से पार हो जाती थी गांव के पास, सिर्फ आवाज आती थी और जल जाती थी और दिखती नहीं थी कुछ भी, सिर्फ चिल्लाते। गांव वाले उसके पीछे जाते भी नहीं थे डर के मारे, और या तो फिर वो क्या नाम से निकल जाता था किसी को पता नहीं, खाली चिल्लाता रहता भूखा मरा ऐसा ही चिल्लाता था। मर गया होगा भूखा फिर। हाँ, कोई भूखा ही मरा होगा इसलिए चिल्लाता था वो, उसके बाद वो दिखा भी नहीं। किसी ने बिस्किट देने का ट्राई किया उसको, क्या पता वो बिस्किट लेके उसको साथ में लेके पता अगले दिन जाता पेट भर गया। ये तो ऐसी हजारों स्टोरीज होंगी गांव की जो अभी भी होता होगा। ऐसे कई बात, कई चीजें तो मेरे साथ भी हुई है, लेकिन मैं अभी क्या बताऊं उसका अलग से बताऊंगा। मैं गुड़ाचंद्र जी से पढ़ के जाता था गांव से 3 किलोमीटर दूर, जब पढ़ के जाता था तो शाम के टाइम एक बार रात हो गई जो चांदनी रात है एकदम, और मैं पढ़ के, उस दिन तो पढ़ के नहीं, मैं बाहर चला गया था तो मैं आया था थोड़ा तो लेट हो गया, तो मैं उस दिन रात को जा रहा था, तो रात में तड़ाव की पहाड़ थी, तड़ाव जो होता है ना अपना, उस पर खजूर बहुत थी, खजूरों में से 2 खजूर आपस में हवा से भिड़ रही थी ऐसे। अच्छा। आपस में, और मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ और वो खजूरों की आवाज़ आ रही है दोनों की, दोनों खजूर भिड़ रही है, तो मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, तो खजूर भिड़ रही है, मेरे को लगा डर, मैंने शुरू कर दिया हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, मैं तो बोलता सीधा चला गया, वो खजूर फटफट फटफट आवाज़ आ रही है, मैं बगल में होकर निकल के जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, मैंने बराबर से देखा तो 2 खजूर के आपस में भिड़ रही है। और मैं सीधा हनुमान चालीसा बोलते बोलते हनुमान चालीसा पूरी हुई, फिर दोबारा हनुमान चालीसा उठा ली, 3 बार हनुमान चालीसा गांव पहुंच गया, मुझे कुछ नहीं देखा,
खजूर रात को 11 बजे पहुंचा मैं, चांदनी रात थी लेकिन उस टाइम एकदम उजाड़ा पूरा। कहने का मतलब आम भी ऐसा लगे कि साला भूत है, लेकिन वो था कुछ नहीं वहाँ पे। आंकड़े का पेड़ वो भी दिखता है कि वो भूत खड़ा है उधर सामने, चांदनी रात में आंकड़े का पेड़ दिखेगा तो ऐसा लगता है कि भूत खड़ा है, लेकिन कुछ नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये होता है, लेकिन डर से ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है तो भूत प्रेत तो है भगवान है, लेकिन सब कुछ है होता है, लेकिन सब है भी नहीं। कहने का मतलब तो आदमी को डर होता है ना, वो ज्यादा होता है। तेरे भैया अमित वहाँ बड़ौदा में कैसे मकान में थे, अकेला मकान सुनसान, हम छोड़ने गए, अपन गए थे बड़ौदा में, अपन गए थे तो वहाँ अकेला पूरा 4-5 मंजिल का बिल्डिंग, उसमें कोई नहीं, सब बच्चे पढ़ने वाले आए नहीं वो टाइम पे, छुट्टियां थी, और अमित खाली पूरे अपार्टमेंट के अंदर, मेरे सगे भाई, पुराना मकान बिल्कुल खंडर, उसमें अकेला रात को पढ़ रहा है। अपन देख के आए, वह देख रहा, मैं बोल रहा हूँ अमित यहाँ कोई बच्चा भी नहीं है, तू अकेला रहेगा यहाँ? नहीं, बोला पापा जाओ मैं तो अकेला रहूँगा। और फिर मैं हनुमान चालीसा वहाँ रख के आया उसके पास, बोला मैं तेरे को डर लगे, वो जिद पकड़ ली उसने, हम लेके आ रहे थे साथ में, चल नहीं आया। फिर मैं हनुमान चालीसा रख के आया, मैंने तेरे को डर लगे, हनुमान चालीसा का पठन कर, फिर तो कौन ही आया हनुमान जी के। लेकिन पूरी बिल्डिंग के अंदर मतलब कोई नहीं था, पुरानी बिल्डिंग पूरी था भी, बहुत खतरनाक थी भैया, डरावनी जगह थी, लेकिन भी रहते थे पूरी बिल्डिंग आके रहते भैया, ये अलग ऐसी जगह थी, हमारे घर वाले हैं सारे, उसको ऐसा नहीं कि मेरे को डर लग रहा है। फिर मैं हनुमान चालीसा रख के आया और बोल के आया, हनुमान चालीसा यही रखना और तू पठन करना हनुमान जी के, अगर तेरे को डर लगे तो। लेकिन मैं तो, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि छोड़ के आऊं अकेला भैया, माचो मैं। मेन तो मेरे को सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट जो लगा कि टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है एक इंसान पूरा का पूरा, सिर्फ उतनी ही, मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है हालांकि सेकंड चैनल पे, थर्ड चैनल पे, चर्चाग्राम पे, टेलीपोर्टेशन को लेके या फिर टाइम ट्रैवल को लेके थियरीज सोच रखी है हज़ारों लोग, साइंटिस्ट पीछे पड़े हैं, लेकिन अब सोचो देविया शक्ति जो ऐसी होती है, देवता हो गए हमारे ये सारी, कितने कितने पावरफुल है जिनके बारे में आई थिंक किसी को नहीं पता। हमारे छोटे से गाँव के अंदर चीज़ हो रखी है और जो सच है, टेलीपोर्टेशन होकर, टेलीपोर्टेशन लिटरली कहीं जंगल खेत में थे, वहाँ से घर पहुँच गए ऐसे इन जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई, समझ रहे हो? तो इतनी सी देर में कोई कहाँ से कहाँ आ गया, एंड वो हिडन है, किसी को पता नहीं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे को खुद को ही पता चला है, उनको होश आया हुआ जाके, मतलब वहाँ जाके गाँव में जाके ऐसा लगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अमेजिंग भाई, ये तो माइंड ब्लोइंग है, टेलीपोर्टेशन हो रखा है एक पूरे जिंदा इंसान के साथ। अमेजिंग यार, बहुत बहुत मजा आया यार। ऐसे पापा के पास और भी, इस साइड रहो पापा, दिख रहा है, ऐसी पापा के पास और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, पापा के पिटारे में से निकालेंगे, समय आने दो मैं बताऊंगा जरूर। तो प्रॉपर पापा को मैंने बोला था कि सोच के रखना, पापा ने यहाँ पूरे पन्ने पे लिख दिया है बहुत सारा, जो कैसे लिख रहे थे पूरा लिख दिया है। तो नहीं, मुझे याद था। तो अगली बारी पापा और भी बेटर स्टोरीज के साथ, ऐसा अभी तो मैंने क्या आज बनानी थी ना, तो ऑन द स्पॉट में लेके आ गए पापा को, अगली बार कुछ बेटर प्लानिंग के साथ और अच्छा जो स्टोरी होगा पापा का याद करके जरूर, या फिर गांव में और भी स्टोरीज होंगी वो सुनाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, शेयर करो वीडियो को, पसंद आया तो अपने पापाओं के साथ शेयर करो, अपनी मम्मी के साथ शेयर करो, उनको भी दिखाओ, बहुत मजा आएगा उनको भी, वो भी गांव से होंगे तो वो भी रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू बोल दो पापा, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ओके, एंड बस नीचे कमेंट कर देना पापा इज ओपी, ओके, #पापा इज ओके, चलो बाय बाय।